जेल तोड़ने वाले सीक्वेंसेस को दिलचस्प ढंग से दिखाया गया है, मगर पूर्ण रूप से जेल ब्रेक वाली फिल्मों में श्रीदेवी की गुमराह और पिछले दिनों आई दिव्या खोसला की सावी ही रही हैं। अब निर्देशक वासन बाला इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आलिया भट्ट की पावरपैक्ट परफॉर्मेंस के साथ जिगरा लाए हैं, जिसमें वो एक्शन और इमोशन में तो अव्वल रहे मगर कहानी के स्तर पर चूक गए हैं। इस बार कहानी किसी प्रेमी प्रेमिका की नहीं है, कहानी है बहन सत्या आलिया भट्ट और उसके भाई अंकुर वेदांग रैना की। इनकी माँ बहुत बचपन में गुजर गई थी और पिता ने इन्हीं मासूमों के सामने खुदकुशी कर ली थी। बस उसी हादसे के बाद अपने भाई को अति प्रेम करने वाली सत्या अंकुर के लिए एक ऐसा कवच बन जाती है जिसे भेद पाना असंभव सा मालूम होता है। फर्स्ट हाफ में वासन बाला कहानी के इमोशन के साथ साथ पकड़ को भी बनाए रखते हैं, मगर सेकंड हाफ में कहानी पटरी से उतरती चली जाती है। वासन पर बिग बी का हैंगओवर भी साफ नजर आता है जब वे कहानी के डायलॉग्स और बैकग्राउंड में बजने वाले गानों में बिग बी की फिल्मों को लाते हैं। उनकी इस फिल्म के बेहतरीन बनने की प्रबल संभावना थी, मगर स्क्रीन प्ले में जेल ब्रेक के दो प्लान ने कहानी की जटिलता को और बढ़ा दिया। अंचित ठक्कर का बैकग्राउंड स्कोर, विक्रम दाहिया का एक्शन और स्वप्निल एल सोनमणि की सिनेमेटोग्राफी दमदार है। एक एक्शन स्टार और इमोशन से भरी एंग्री यंग वुमन के रोल में आलिया शानदार है। उन्होंने बेबसी, लाचारी, प्रेम और दृढ़ संकल्प बहन को पर्दे पर जीवंत कर भाई अंकुर के रूप में वेदांग रैना का काम भी सराहनीय है। अपने बेटे को जेल से भगाने वाले बाप के रूप में भाटिया उर्फ मनोज पाहवा का अभिनय यादगार है। छोटी छोटी भूमिकाओं में आकाशदीप और शिवा भी अच्छे रहे हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी अच्छी रही है। आलिया भट्ट की जानदार परफॉर्मेंस और भाई बहन के रिश्तों की कहानी के शौकीन ये फिल्म देख सकते हैं।